हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका से देसी फूड ब्लॉगर चैनल में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आज हम आए हैं किला मुबारक पे, जो कि आला पट्टी जी के टाइम पे है। और तकरीबन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 254 वर्ष पुराना ये किला मुबारक है। तो दोस्तों, आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। तो आइए हम अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं किला मुबारक की। और ये चलते हैं मुख्य दरबार की तरफ। और ये है दोस्तों मुख्य दरबार, काफ़ी नोकीले और पुराने टाइप का काफ़ी बना हुआ। ये कम से कम 254 साल पुराना ये इसका निर्माण किया गया था। और ये दरबार आप देख सकते हैं, बहुत ही ऊंची लंबी चौड़ी हाइट वाला ये दरबार है। तो इस गेट से आगे मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। और इस तरफ आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, हम फोर्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं, किले के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। जैसे कि आप देखते होंगे, ज़्यादातर जो महल, जो किले, फोर्ट जो फेमस है वो है जयपुर में, राजस्थान में। तो पंजाब का ये लगभग उसी तरीके का ये फोर्ट है, जो कि 254 साल पुराना ये फोर्ट है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये इसकी आला पट्टी जी ने इनकी स्थापना की थी सन 12 फरवरी 1764 को। पटियाला के किला मुबारक की स्थापना आला पट्टी जी ने की थी। वो ये यहाँ के विरासत करने वाले पहले राजा थे। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो 1691 से लेकर 1765 तक था। और पटियाला के ऊपर रूल करने वाले ये पहले ऐसे राजा बने थे। और इसके अलावा बताना चाहूँगा दोस्तों कि इनके तीन बेटे थे, जिनका नाम था सहज, सरदूल और ब्रह्मन। दोस्तों, ये हम लेफ्ट साइड की तरफ चल रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही बड़ा ये किला है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पे सन ऑफ सरदार मूवी की शूटिंग की गई थी। और बहुत मूवीज़ की शूटिंग की जाती है, अराउंड 30% जो मूवी का हिस्सा है, जो आपने देखा होगा बीच में घोड़े वाला सीन जो है वो यहाँ का लिया गया। शाम का टाइम है दोस्तों, काफ़ी मौसम भी अच्छा हो रखा है वेदर। तो दोस्तों, यहाँ की निगरानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड हैं। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इस तरफ अलाउड नहीं है जाने के। दोस्तों, ये हरी हरी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, बहुत ही पुराना ये किला है। क्या मोटी ये दीवारें हैं दोस्तों, पत्थरों से बनी हुई, महाराजा रणजीत सिंह के वक्त की ये दीवारें। बहुत ही पुराना किला है दोस्तों ये। इस तरफ आप देख सकते हो, ये मेरे को ये सुरंग टाइप लग रही है, आई थिंक ये पुराने टाइम पे सुरंगें होती थी, तो ये उस टाइप का मुझे ये लग रहा है। बेसिकली ये किले की बैक साइड है। और देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही पुराने टाइम पे ये जैसे होते थे ना, उस टाइप का है। इस पर वर्क नहीं किया गया है मेरे हिसाब से, बट लेकिन गवर्नमेंट अभी भी इस पर ध्यान दे रही है काफ़ी। तो दोस्तों, ये है वो एरिया जिसको बेंगुडाई डाल कहते हैं, और इसको जलाऊ खाना भी एक तरीके से नाम दिया जाता है। बेसिक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो हम इसे बाहर बाहर से ही कवर कर सकते हैं, अंदर से इसको अलाउड नहीं है करने का। तो दोस्तों, आप कमेंट्स में बताइएगा ये आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये बेंगुडाउल का ये बाहर का एरिया है। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये बहुत ही पुराने टाइम का ये जो किला है, 254 वर्ष, अभी भी ऐसा लगता है जैसे ज़्यादा पुराना ना हो करके 100-150 साल का ही हो। तो ये गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट किया है, और कुछ कुछ हिस्सों पे काम भी चल रहा है, कुछ हिस्सों पे काम भी। सन ऑफ सरदार में जिसकी शूटिंग हुई थी, तो इस एरिया में घोड़े पे अजय देवगन तो शुरू से ही एक हिस्टोरिकल प्लेस। वो तोप जो आला पट्टी जी के ज़माने में होती थी, देखो क्या बहुत ही बड़ी ये तोप है। दोस्तों, कैसा लगा आपका ये वीडियो? आज का वक्त है दोस्तों का, लोग आए हुए हैं यहाँ पे, वॉक करने भी आते हैं यहाँ पे नियर बाय लोकेशन पे। ये दोस्तों लग रहा है कि नई तोप है।
तो दोस्तों मैं आपको इस वक्त और भी दिलचस्प चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो आला पट्टी जी थे जिन्होंने पटियाला का निर्माण किया था, और पहले ये आला पट्टी जी के नाम से जाना जाता था, और जो कि ये फर्स्ट रूलर थे यहाँ के, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसके अलावा बताना चाहूँगा कि सर दोस्तों ये फुल कायो मिसल के सरदार थे, और दोस्तों इन्होंने अपनी लाइफ में जो अचीव करा है वो है सर, इन्होंने अपनी भट्टी नस्ल को तोड़ के 736 विलेज के ऊपर इन्होंने जीत हासिल करी। और जो बेसिकली जो इन्होंने रूल करा वो करा था 19वीं सदी में, जो कि 19वीं सदी में करा था महाराजा भूपेंद्र सिंह। वो इसीलिए फेमस है क्योंकि उनकी 365 रानियां थी, काफ़ी रॉयल टाइप के महाराजा थे। अभी तक जितने भी 9 राजा आए थे उनसे थोड़ा ही अलग टाइप के ये राजा थे, क्योंकि कहा जाता है इन्होंने कुछ ज़्यादा काम तो नहीं किए, लेकिन जो भी इन्होंने काम किए वो एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया, फ्लाइंग स्कूल बनाई, क्लब बनाई, मोनो ट्रेन बनाई, और इसके अलावा इन्होंने एयरपोर्ट भी बनवाया गया। और कहा जाता है जो कि पहले ये बैंक ऑफ पटियाला के नाम से था SBI, वो इन्होंने बैंक ऑफ पटियाला का निर्माण करा। और सबसे इम्पोर्टेंट काम इन्होंने करा कि काली घाटी से काली माँ की मूर्ति लेके आए थे, जो कि बहुत ही इन्होंने इम्पोर्टेंट काम किया था इस चीज़ पे तो हम पटियाला के लिए। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि किला मुबारक के बारे में, यहाँ पे शाही भवन, रंग महल, शीश महल, चार बाग, दरबार हॉल, चांदी की बग्गी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, आप देख रहे हैं। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इसके बाद जो रूल करा था सबसे लास्ट में महाराजा यादविंदर सिंह ने, महाराजा यादविंदर सिंह जी ने, जो कि कहा जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह CM के दादाजी थे, और उन्होंने जो कि पेप्सू स्टेट बनवाया था, पंजाब को एक पेप्सू स्टेट बनवाया, और उसके बाद उन्होंने जो काम किए थे पंजाबी जुत्ती सलवार और पटियाला पैग के नाम से जो है इन्होंने फेमस किया था काफ़ी पटियाला को। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा जो कि किला मुबारक एक पवित्र स्थान है, तो यहाँ की पवित्रता के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे एक ज्वाला जी से ये एक वो ज्योति लेके आए थे, जो कि कहा जा रहा है कि आज भी 250 साल हो चुके हैं और आज तक ये ज्योति चल रही है, जो कि पटियाला के मतलब एक सिक्योर करती है उसको, सुरक्षा के एक सुरक्षा वे में देखा जा सकता है, सुरक्षा वे में देखा जा सकता है। और तो दोस्तों इस तरफ आप मेरे देख रहे हैं कि यहाँ पे 5-star होटल का भी काफ़ी डेवलपमेंट किया जा रहा है, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी जाने नहीं दिया जा रहा, तो रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन हम आपको सीढ़ियों का ये रास्ता दिखा देते हैं, ये है वो सीढ़ियों का रास्ता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन लगा रखे हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बहुत अंदर तक जाने नहीं देते हैं ये लोग। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ दर्शक जो यहाँ पे आए हुए हैं इंजॉय करने, तो दोस्तों आइए आपको इनसे मिलवाते हैं और पूछते हैं इनसे कैसा लग रहा है इनको यहाँ पे आके, और क्या ये जानते हैं इस किले के बारे में। हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर जी। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम प्रशांत पत्ता है जी। तो हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत जी, तो प्रशांत जी से जानते हैं इस किले के बारे में। सर ये किले के बारे में आप जानते हैं और ये कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? सर हम तो बचपन से ही आ रहे हैं जी, मतलब मेरी उम्र वैसे 40 साल है जी, तो 40 साल से तब से ही आ रहे हैं हम तो यहाँ पे किले में जी। जी 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 जी। तो ये बहुत पुरानी रियासत है, बाबा आला जी, थे जो हाँ जिन्होंने पटियाले की स्थापना की थी जी, तो मतलब उन्होंने ये यहाँ पे रखा था, बहुत बड़ी रियासत है ये जी, जो हमारे पूर्व जो CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्हीं की जायदाद में से है ये जी, तो अब तो सरकारी प्रॉपर्टी है जी,
तो सर आप ये इनकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो अभी इसको काफ़ी ज़्यादा इसको डेवलप किया गवर्नमेंट ने, पहले इतना ज़्यादा केयर नहीं करते थे, अभी आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है स्पेशली इसी पार्ट में। पीछे की तरफ भी आप देखेंगे अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, और मेरे जस्ट बिहाइंड देखेंगे ये भी एक एरिया है, तो सर हमें थोड़ा सा इन एरियाज के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि यहाँ पे 365 जो है उनकी रानियाँ थी। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, काफी ये 250 साल पुराना है तकरीबन। हाँ जी बिल्कुल, तो बिल्कुल सर इसके बारे में कुछ इसके अलावा बताना चाहेंगे। सर अभी तो जैसे पहले तो मतलब इसकी जर्जर हालत थी, बहुत खस्ता हालत थी जी। तो अभी 3-4 साल से ही जब से ये वर्ल्ड हेरिटेज में हुआ है जी, तब से ही पैसा लगना शुरू है, एक तरह का नया किला बन गया ये जी, 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 जी। सारी मतलब प्लास्टर वगैरह, सारी चौकाट वगैरह, सारी ये लकड़ी का काम सारा दोबारा से हुआ है जी। पेंट वगैरह ये सारा दोबारा से हुआ है जी। पहले तो पूरी बहुत बुरी हालत थी इसकी किले की जी, 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 जी। तो अभी भी काम चल रहा है, तो यहाँ पे अभी वो जो एरिया देख रहे हो वहाँ पे होटल खुलेगा, पार्क होटल, 5-स्टार होटल। तो उस वजह से भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसको और पॉलिश कर रहे हैं जी। पर अभी भी काम है, साल डेढ़ साल तो लगेगा अभी भी जी, 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 जी। तो उससे थोड़ा सा और टूरिज्म शायद डेवलप हो यहाँ पे जी, जी, जी। के बारे में, ये महल किसी लिए फेमस है मेरे सर? ये जो सामने वाला है ये है रानी का महल है जी। ये रानियाँ वगैरह जो उनकी मतलब हमामगा होती थी वो सारे यही है। Okay. आगे जो है इसके पीछे वो है जलाऊखाना, जलाऊखाना जी। और ये जो सामने है जी, ये सामने राजा का दरबार था। Okay. यहाँ पे पहले म्यूजियम था, पर जब से ये रेनोवेशन चल रही है जी, तब से उन्होंने म्यूजियम उठा दिया यहाँ से जी, 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 जी। तो दोस्तों देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इनका कहना ये दरबार खाना है और इसको म्यूजियम भी कहा जाता है। इसके पीछे जलाऊ खाना भी है जो हमने आपको पहले दिखाया था। हाँ जी, जी तो जी, जी। इसका मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे जो सामने ये जो बिल्डिंग है जी, तो यहाँ पे जोत है। ओके। जो तभी से चल रही है। अच्छा जी। तो मतलब ऐसी मान्यता है कि अगर वो जोत जो है वो बुझ गई तो पटियाला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके। वो अभी तक कई सालों से अभी तक चल रही है, जब से मतलब इसकी स्थापना हुई तब से ये जोत अभी तक चल रही है। बाबा आला की जोत बोलते हैं उसको जी, 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 जी। तो आई थिंक ये पटियाला का नाम भी नहीं पड़ा था तब, ये आला पट्टी के नाम हाँ, से आला पट्टी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आगे शाही समाधा है जी, तो उसमें बाबा आला की समाध है जी। वो सारी जो शाही समाध वगैरह है वो सारी वहाँ पे उसमें है जी, जी, शाही समाधना बोलते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं, कोई थोड़ा सा दूरी है यहाँ से। ओके सर, काफ़ी मेरे को मैंने देखा बाहर से काफ़ी इस पर वर्क किया हुआ है, पहले इतना वर्क नहीं होता था आई थिंक, जो पीछे तक है ये केस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, जी। तो अब तो पूरा रेनोवेट हो गया, मतलब पूरा एक तरह से नया ही बना दिया किला जी, 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 जी। और ये गेट भी मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा है, ये कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों जैसे कि अभी प्रशांत भट्ट जी ने हमें आपको बताया कि मुबारक के बारे में, तो दोस्तों मैं ये आपको कहना चाहूँगा ये हेरिटेज लोकेशन है, तो रेकमेंड करना चाहूँगा आप भी इस लोकेशन पे आएँ और यहाँ पे आके ज़रूर देखें क्यों ये आला पट्टी जी के नाम से फेमस है। और जो इन्होंने जोत के बारे में बताया कि ये जो बहुत ही पुराने टाइम से जोत चल रही है, आई थिंक महाराजा रणजीत सिंह के टाइम से जब से ये बना है, और बहुत ही क्रूशियल चीज़ें उन्होंने बताई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। तो दोस्तों आप भी आए यहाँ पे देखें और आपको पता लगेगा ताकि क्यों यहाँ पे ये फेमस है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो किला मुबारक है तकरीबन ये गुड़मंडी से लेके सदर बाज़ार तक बना हुआ है, बहुत ही बड़ा ये एरिया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। तो दोस्तों ऐसे ही बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमें अपना प्यार देते रहें, और जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं कराया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।